श्री भोले बाबा मंदिर बस्ती 9 से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वहां शिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रभात फेरियों का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है, जिसके चलते मंदिर प्रांगण से 11वीं प्रभात फेरी निकाली गई, जिसका शुभारंभ पंडित प्रमोद कुमार तिवारी द्वारा पूजा अर्चना कर तथा मनमोहन ठुकराल द्वारा गणेश वंदना से किया गया। तो वहीं प्रभात फेरी के मार्ग में लोगों ने पुष्प वर्षा कर और लंगर लगाकर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया। ये प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से शुरू होकर बाग आलूवालिया की गलियों से होते हुए गोविंद नगर पहुंची, जहां पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया, पार्षद जसपाल कौर भाटिया ने अपने साथियों सहित पुष्प वर्षा कर तथा प्रसाद बांटकर प्रभात फेरी का स्वागत किया। यहां से आगे बढ़ते हुए प्रभात फेरी गिरधारी लाल अत्री के घर पहुंची, जहां पूरे अत्री परिवार ने प्रभात फेरी का भव्य स्वागत करते हुए भजन कीर्तन करवाया तथा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया। इस दौरान मनमोहन ठकुराल तथा नितिन वर्मा एंड पार्टी के भजनों पर भक्त झूमने के लिए मजबूर हो गए। इस मौके पर चाचा राजकुमार, अमरदीप कुंद्रा, पंडित प्रमोद तिवारी, केवल कृष्ण, कमल किशोर घई, गिरधारी लाल अत्री, राजकुमार कलसी, विजय भाटिया, सत्य नारायण जोड़ा, मनमोहन ठकुराल, नितिन वर्मा, मनीषा जोड़ा, अरविंद शर्मा, शंकी अरोड़ा, अश्विनी भाटिया, गौरव जोड़ा, राहुल कुंद्रा, सौरभ गुप्ता, सौरभ जोड़ा, सनी भगत, अभिनंदन कुंद्रा, अभि शर्मा, सनी लुथरा, केवल कृष्ण एवं बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ ਬਸਤੀ 9 ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ 6 ਤਰੀਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੇਲਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। जय श्री राम, जय श्री राम।